जय हो, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था हमारे साथ हमारे विशेष कार्यक्रम मोर बचपन मोर आजादी। जिन लइकापन होते तिन अपन जीवन के सबसे स्वर्णिम समय होते, वही समय ला हम साझा करबो हमारे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ले। आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम मोर बचपन मोर आजादी में। अपुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब आपके चैनल के माध्यम से सुनैया देखैया मन लगलो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बात के शुरुआत करथन, जब आप लइकापन में स्कूल जात रहे हो, 15 अगस्त के जब त्यौहार आत रही से, 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस है, ओला कैसे आप मन मनात रहे हो? हमन जब प्राइमरी क्लास में भर्ती होइन, हाँ, और ओकर बाद 15 अगस्त के त्यौहार आई, तो पहली तो हमन पहली कक्षा में तो एकदम अनजान रहे। हाँ, गुरु जी मन जैसन बतात जाए तैसन तैसन हमन करत जान। ओमन बतैन कि कल 15 अगस्त है, हमारे देश स्वतंत्र हो रही से, तो तिरंगा झंडा लेके गली में घूमना है, नारा बुलात जाना है, और आघू आघू बड़े लइका मन रेंगी ते मन महात्मा गांधी के और जवाहरलाल नेहरू के फोटो ले से धरे धरे रेंगत जाही। हाँ, पाछू के लइका मन ऐसे झंडा हिलात रही और ओकर बाद भारत माता की जय ऐसे सब बुलात जाही, महात्मा गांधी की, नेहरू जी की, ऐसे सब। तो वो इसने पीछू पीछू रेंगत रहन। हाँ, पहली क्लास 5-6 साल की उम्र लइका जात, तो आघू डहार के मैं रेंगत रहा है, गुरु जी नहीं देखे धरे तो एक आध जन लइकल चिमटे अस्करण तो कुछ करें। लइकईपन में चला ये चीज है, वो में का राष्ट्रीय पर्व का चीज होते का अनुभव तो में रहना नहीं रहा है। सही कहा था, लइकई खेल कूद मस्ती चलत रहा है, वो में ऐसे रहा है। 15 अगस्त में जिन विशेष आकर्षण रही थे तेन लइकापन में बूंदी गिरी थे, जिन मिलते मिष्ठान जिन मिलते ओकर से जुड़े कोनो बात आप हमला बताओ। बूंदी के विशेष आकर्षण कब से चालू हुई से नया नियम हाँ परिपाटी पता नहीं। हाँ, पर स्कूल मन में 15 अगस्त 26 जनवरी में बूंदी बांटे के परंपरा, तो पहली साल तो हमन जानत नहीं रहे, जब हमन हाँ झंडा रोहन हो गए, जनगण मन हो गए, ओकर बाद भाषण देवे यमन देली, हमन ला तो ते चेतो नहीं रहा है पहली। हाँ, हाँ, लेकिन ओला सुनन अपन ढंग के एती ओती देखत, ओकर बाद में जब बटिस तो बड़ा आनंद के अनुभव हो कि चलो आज मिठाई खायल मिली, बूंदी खायल मिली जैसे। और हमन हाँ जैसे एक बूंदी एक ठन में ऐसे दिस, ओकर बाद दूसरा लाइन वाले पीछू लात, तो हमन आइडिया से एक ठन हाथ ऐसे करके दूसरा से भी उधार ले बूंदी मिल जाए ऐसे। हाँ, तो वैष्णो ले लेन ऐसे कई लड़का कर लेते रही नहीं से। सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी बड़ा विशेष महत्व रही थे लइकापन में, अलग अलग प्रकार से गुरु जी मन तैयार करते हैं कि ये लइका ये बनी, ये लइका ये करही, और ओखर जिन्हें मंच में जिन्हें लइका जाते और अपन प्रस्तुति देते, ओखर से जुड़े कोनो बात आपकी स्मृति में हो ओला आप साझा करो। पहली पहली शुरू के तो स्मृति में नहीं है, लेकिन नाच गाना तो सबोल अच्छा लगते हैं। हाँ, हमू मन ला अच्छा रहा है, काबर की गांव पढ़े हैं, और जैन समय हमन गांव पढ़े हैं तेन समय गांव मन में कोई मनोरंजन के साधन रहा ही नहीं, तो लीला होए, नाटक होए या मड़ई में नाचा होए, तो यही गांव के मनोरंजन के साधन रहा है। तो वो समय से अलग हट के स्कूल में जब लइका मन के नाच गाना होए तो निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया लगे, बैठे रहन और मन से ओला सुनन, काबर की जो प्रस्तुत करे थे लइका मन प्रस्तुत करे, गुरुजी मन सिखाए रहें, और हमन बढ़िया ताली बजाए के बढ़िया हासन और चिल्लावन घलो, जेने कातकन बने लागे थे लइका मन जोर जोर से, गुरुजी मन डांटे घलो, गारी दे तो चुप हो जान, उतका बेर गुरुजी मन दूसर ढाल देखे धरे फिर हासिल धरलन, ऐसे नवा नवा चीज़ रहा है। और बहुत ज़्यादा स्मृति तो नहीं है पहली कक्षा के, काबर की एकदम गांव के स्कूल रही से। हाँ, हाँ, पढ़े न हम जब गांव में, हमार गुरूर ब्लॉक में बासिन गांव है। हाँ, हमार एक टन तेन गांव में प्राइमरी पढ़े में हैं, और वही कर 4-5 किलोमीटर के आगे में धनेली गांव है, पैदल जान हमन मिडिल स्कूल पढ़े बर। हाँ, लगभग 4 किलोमीटर जान 4 किलोमीटर आन, बारिश में कीचड़ में पानी गिरे तो पूरा आए नदिया में तेल नहाकत जान। ऐसे जिन ग्रामीण संस्कृति है और आज की जिन शहरी संस्कृति है, एमा जिन सबसे बड़ी कमी नज़र आते कि लइका मल्ला हमर जिन महापुरुष हैं, जिन कौन तरीके से आज़ादी दिलाए हैं, का महापुरुष हमारे छत्तीसगढ़ में हुई, देश में हुई, ओकर बारे में उनका अध्ययन नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन आपके समय में गुरु जी मन कहूँ ना कहूँ पानी गिर गए
पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन ऐसे टाइप की कहानी के माध्यम से लइका मन ला बतावें कि ये आदमी रही नहीं, ऐसे टाइप के हमला आज़ादी मिली से। मोला ऐसे लगते कि आजकल जैसे पढ़ाई होती स्कूल में पढ़ाते थे ना, पुराना जमाना जिन समय हमल गुरु जी मन पढ़ाए वो समय गुरु जी मन मन से करें, अपन समझ के करें वो मन, तो एक भावनात्मक अटैचमेंट जिसे लगे गुरु जी मन के बाद, और वो हर अंदर तक घर कर जाए जैन तरीका से जैन लहजा से उमन बोले आज़ादी के बाद ला अंग्रेज मन के द्वारा जुल्म करे जाए तैन बात ला, और देश ला आज़ाद करे बर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जेल में रही नहीं से, तो वो मन से बोले तो मन के अंदर वह घर कर जाए, तो वो समय के सब स्मरण ओकर स्थिति रहे। आजकल ऐसे लगते कि एकदम व्यावसायिक जैसे हो गए कई छन व्यवहार है। आज़ादी की परिभाषा आपके नज़र में का है, काबर की आज़ादी की परिभाषा ये समय में आपके समय ले यहाँ तक की यात्रा में आज़ादी की परिभाषा बदल गई है, लेकिन वास्तव में आपके नज़र में आज़ादी के का परिभाषा है? देखो मोर ऐसे मानना है, मैं व्यक्तिगत ही विचार कहूँ, ला आज़ादी मूल जन शुरू हुई हमार देश अंग्रेजी शासन में रही, यहाँ के विकास हो नहीं पात रही से, अत्याचार अंग्रेज मन हमार ऊपर जते करत रही नहीं, देश के नेता मन लगिस कि हमार देश ला आजाद करना चाहिए, उनकर जो भावना रही से ते मोला ऐसे लगते कि हम अपन देश ला आजाद अपन बर करत हन, अपन आने वाला पीढ़ी बर करत हन, निस्वार्थ भाव से काम के बात है। देश आज़ाद हुई वो समय रही ते मन निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करे ला, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात हो या जतेक भी नेता है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, शहीद भगत सिंह हो, बिस्मिल्ला हो, ये मन हाँ स्वार्थ से अलग हट के देश हित देश के जनता के हित दो मुद्दा लेके आज़ादी की लड़ाई लड़ी ना, वो आज़ाद करी। आज़ादी मिले के बाद जब सरकार अपन हाथ में इस बनेल धरिस तो धीरे 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 में स्वार्थता भी आवत गईस, और कुछ स्वार्थी तत्व मन के उमें प्रवेश होवत गईस, ओकर कारण राजनैतिक परिदृश्य में बदलाव आवत गईस। आज़ादी के मतलब मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद भारत में बिना ककरो दबाव बिना ककरो हस्तक्षेप के पूर्ण आज़ादी के वातावरण में अपन लिए अपन परिवार के लिए अपन देश के लिए अपन समाज के लिए सोचना, योजना बनाना, अवला लक्ष्य तक पहुँचाए के कोशिश करना, कोई ककरो ओकर ऊपर अंकुश नहीं होना, विचार के स्वतंत्रता होना, लेकिन अगर देश हित में वो विचार ठीक नहीं है तो स्वीकार भी करना, ईगो प्रेस्टिस के कोई बात नहीं। राजनीति के और ये चुनाव जहाँ शुरू हुई तो ओखर बाद फिर ये कई ठन गंदगी एमा आवत गईस, और वो गंदगी के चलते सही व्यक्ति के चयन हो के सामने आना बड़ा मुश्किल काम होवत गईस। ऐसे लगते कि कतको झन नियम देश हित योजना अधिकांश मन लो कर से कोई मतलब नहीं, मोला का मिल ही मोला का फायदा हो ही, ये सोच के हम यहाँ निर्धारित करथन कोई चीज ला, यही एक ठन सबसे बड़े विसंगति है। नहीं तो मोर ऐसे मानना है कि आज भी भारतवर्ष में कोई चीज़ की कमी नहीं है, बहुत अच्छा मजदूर भारतवर्ष के माने जाते हैं, बहुत अच्छा किसान भारतवर्ष के, बहुत अच्छा व्यापारी भारतवर्ष के, बहुत अच्छा डॉक्टर भारतवर्ष के, बहुत अच्छा इंजीनियर भारतवर्ष में है, बहुत अच्छा चिंतक और विचारक भारतवर्ष में है, बहुत अच्छा सैनिक भारतवर्ष के, बहुत अच्छा वैज्ञानिक भारतवर्ष के। नीचे से ऊपर तक अगर आप देखो तो भारतवर्ष में कोई चीज़ की कमी नहीं है, मैन पावर बहुत मजबूत है।
लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ और राजनैतिक खराबी के कारण कहे जाए, हो सकते मोर में भी वो गंदगी या खराबी होगी, मैं नहीं कहूँ, लेकिन ओकर कारण सारा वातावरण बदल गया। आज के जो राजनीति या आज के परिस्थिति या आज के समय विशुद्ध रूप से व्यावसायिक हो गए। अब देश हित कोई मुद्दा नहीं है, मोर समझ से व्यावसायिक राजनीति हो गए है आजकल। तो आज़ादी के शुद्ध विशुद्ध मतलब अब गौन हो गया। बहुत सही बात कह रहा हूँ। वो पर से कोई चर्चा आज के तारीख में ना डिबेट में हो, ना कोई नेता मन के बीच हो, ना कोई पार्टी मन के बीच हो। कोई ऐसे महापुरुष जिन आज़ादी की लड़ाई में आपला बड़ा प्रेरित करीस कि ये तरीका से या ये तरीके से हमारे देश ने जिन आज़ाद कराए हैं और आने वाला पीढ़ी भी ओकर स्मरण करत रहे, जिन महापुरुष आपला प्रभावित करे हो? मोला स्कूल मन में जिन पढ़न वो समय अतिक विश्लेषण करे वाले दिमाग नहीं रहा है हमारे पास। ठीक कहत हाँ। काबर की प्राइमरी मिडिल में विश्लेषण करे के दिमाग नहीं रहा, रटे और बोला लिखो ऐसे रहा वो समय के दिमाग। तो हमन पढ़न नेहरू जी भी महात्मा गांधी भी कि शहीद भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सब बोल पढ़न और हाई स्कूल कॉलेज में आए तब हो पढ़ें। मोला सबसे ज़्यादा प्रेरित दो प्रकार के बात जे में राजनीति नहीं रही से, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार और काम, उकर पूरा जीवनी में राजनीति नहीं झलके कोनो में मोर समझ से। हो सकते कोनो लगत हुई एदे सेंटेंस ओकर राजनीति के कारण बोले है या एदेल बनाए बर ऐसी करी सही से जोन भी बोल सकते, लेकिन पूरा जीवन में जब का काम करे थे न मोल कहीं भी राजनीति प्रेरित नहीं लगे। विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण ले के चली सो अपन जीवन में, राम के जो बात करी पूरा ओकर जीवन शैली ओकर विचारधारा ओकर कृतित्व मोला लगते कि विशुद्ध रूप से अध्यात्म से प्रेरित रही से, अध्यात्म से प्रेरित रही तेकर से ओकर विचार अच्छा रही से, सोच अच्छा रही से, काम करे के तरीका अच्छा रही से और बोले के बात अच्छा रही से। अध्यात्म के क्षेत्र में जिन लाइन पकड़ी ओला पाप पुण्य सत्य असत्य धर्म अधर्म ये सब ओकर सामने रहे। दूसरा आज़ादी के लड़ाई जिन लड़त रही है शहीद भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, इकर मन के जीवनी एक प्रेरित करते। आज़ादी के पर्व जिन्हें ओखर हम चाहतन कि आपके माध्यम से संदेश मिले, जेकर से हमारे प्रदेश के युवा मन प्रदेश के जिन लोगन हैं उनला एक नवा ऊर्जा मिले और अपन राष्ट्र पर अपन देश पर वो समर्पित रहें और वैसने देश हित में जनहित में कार्य करत रहें। आज़ादी के बाद ला महसूस करना, पढ़ना और सोचना अलग बात है, लेकिन भावनात्मक रूप से सोचना अलग बात है। अलग बात हाँ। वो भावना ल जब समझ पाही आदमी जन आज़ादी के लड़ाई लड़ैया मन के मन में ऐसो ही और कुदिन हो ही, वो भावना जब समझबो ना तब हम आज़ादी के सही अर्थ ल पाबो। नहीं अभी हमन हाँ जश्न मनाथन 15 अगस्त 26 जनवरी के, तो वही है एक ठन राष्ट्रीय पर्व मनाथन, चलो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो ही और वो देखबो परेड देखबो ओकर बाद समाप्त, वो विषय में चिंतन मनन होना नहीं। लेकिन वो भावनल समझे पर पढ़ी वो समय के आज़ादी के दीवाना मन के, तो मैं युवा मन से विशेष तौर पे निवेदन करूँ कि आने वाला भविष्य उनकर हाथ में है, ओमन हमारे देश के भविष्य है। किताबी ज्ञान से अलग हटके ओमें गहराई से उतरे के कोशिश करें, वो भावना ला महसूस करे के कोशिश करें, ऐसे में सब युवा मन से अपील करूँ। बहुत अच्छा लगी साहब से बात करके। मोर बचपन मोर आज़ादी जिन हमारे विशेष कार्यक्रम है ओमा अपन से जीवन से जुड़े बहुत सारे बात लाभ साझा करें, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी जी आप ला भी आपके माध्यम से सबो देखैया सुनैया मन ला बहुत बहुत धन्यवाद, खूब बधाई।